दोस्तों, अगर आपके पास नया फोन है और जब भी आप अपने फोन के प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके फोन के प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्ले स्टोर का आईडी बना सकते हैं। प्ले स्टोर का जब आप आईडी बना लेंगे उसके बाद आप प्ले स्टोर से आसानी से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप प्ले स्टोर का आईडी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो चलिए प्ले स्टोर खोलते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर साइन इन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर क्रिएट अकाउंट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर फॉर माई सेल्फ का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अपना नाम डालना है, यहां पर आपको अपना पहला नाम डालना है और यहां पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है। जैसे कि आपका नाम विजय राज है तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको पहला नाम अपना डाल देना है। जैसे कि आपका नाम विजय राज है तो आपका पहला नाम हो गया विजय, उसके बाद आपका लास्ट नाम हो गया राज, तो आपको यहां पर क्लिक कर और यहां पर आपको राज डाल देना है। जो भी आपका नाम होगा आप यहां पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब आपको यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब कि आपको अपना जन्म तिथि डालना है। यहां पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि आपका जून है तो आपको यहां पर जून सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर डेट डालना है, जैसे कि 12 तारीख है तो आप यहां पर 12 तारीख लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर साल लिखना है, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे कि आपका 2001 है तो आप यहां पर 2001 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है जेंडर पर और यहां पर आपको अपना जेंडर चुन लेना है। जैसे कि मैं मेल हूं तो यहां पर मैं मेल चुन लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर एक ईमेल आईडी बनाना है, तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपको एक ईमेल आईडी कैसे बनाना है। जैसे कि आपका नाम विजय राज है तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको विजय राज लिख देना है। ध्यान रखिएगा आपको बीच में कोई जगह नहीं छोड़ना है। जैसे कि आप विजय राज यहां पर लिख दिए, उसके बाद आपको यहां पर कोई नंबर डाल देना है। बस आपका ईमेल आईडी बनकर तैयार हो गया है। फिर आप यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर बोल रहा है डेट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब कि यह ईमेल आईडी कोई और लेकर बैठा है। आप यहां पर कुछ चेंज कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहां पर कोई लेटर और डाल दे रहा हूं, जैसे कि मैं टीजे और डाल दिया। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर एक मजबूत पासवर्ड बनाना है, तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपको पासवर्ड बनाना कैसे है। जैसे कि आपका नाम विजय है तो आप यहां पर विजय लिखिएगा, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, जैसे कि विजय लिखे हैं। आप यहां पर किसी और का भी नाम से पासवर्ड बना सकते हैं, आप जैसे कि यहां पर विजय लिखे। उसके बाद आपको यहां पर कोई नंबर डालना है, नंबर को डाल देने के बाद आपको यहां पर कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, मतलब कि आपको यहां पर कोई स्पेशल कैरेक्टर में यहां पर @ भी डाल सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है और ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर देख लीजिए, आपको इस तरह से पासवर्ड बना लेना है। यहां पर आपको सबसे पहले नाम डालना है, यहां पर आप किसी और का भी नाम डाल सकते हैं पासवर्ड में। उसके बाद आपको यहां पर कोई नंबर डालना है, उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है। स्पेशल कैरेक्टर में आपको @ भी डाल सकते हैं, इसको @ कहते हैं, आप यह भी डाल सकते हैं। बस आप इस तरह से बनाइएगा और पासवर्ड को बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए। बस आपको इस तरह से पासवर्ड को बना लेना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब आपको यहां पर एक फोन नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, आप यहां पर वही फोन नंबर डालिएगा जो आपका फोन नंबर चालू होगा, क्योंकि वह फोन नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड जाएगा। तो आपको वही फोन नंबर यहां पर डालना है जो फोन नंबर आपका चालू होगा। तो चलिए हम यहां पर अपना फोन नंबर डाल देते हैं। यहां पर फोन नंबर को डाल देने के बाद उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब जो आप फोन नंबर वहां पर डाले थे उस फोन नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड गया होगा, तो आपको वह कोड को यहां पर डाल देना है। तो चलिए हम वह कोड को यहां पर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर यस आई एम इन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, यस आई एम इन के बटन पर। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं यस आई एम इन के बटन पर। अब आपका प्ले स्टोर का आईडी बन गया है, आप यहां पर देख लीजिए। तो अब आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आई एग्री का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है आई एग्री के बटन पर। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आई एग्री के बटन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट के बटन पर। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सेप्ट के बटन पर। तो देखिए अब मेरा प्ले स्टोर का आईडी बन गया है। अब हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कोई ऐप को डाउनलोड कर। जैसे कि हम यहाँ पर मीशो को डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पर हम मीशो पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देख लीजिए यह ऐप डाउनलोड होने लग रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 99% बता रहा है अभी डाउनलोड हो रहा है। तो देख लीजिए यह ऐप डाउनलोड भी हो गया है। यहाँ पर ओपन का बटन भी आ गया है, मतलब कि यह ऐप डाउनलोड भी हो गया है। मतलब कि अब हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप प्ले स्टोर का आईडी बना सकते हैं, उसके बाद आप प्ले स्टोर से आसानी से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल या सुझाव हमें बताना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा रिसर्च करने के बाद ही वीडियोस को बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।